दोस्तों, जगन्नाथ की पावन धरती से आप सभी को जय जगन्नाथ। मैं हूँ इस टाइम रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में 2023 की रथ यात्रा में, और आप मेरे सामने देख सकते हैं तीनों रथ, जगन्नाथपुरी का मंदिर पीछे और ये तीनों रथ। आज है रथ यात्रा 20 जून 2023 की, और आप देख सकते हैं लोगों का वजूद, इतना वजूद में पानी फेंका जा रहा है, पूरे में इतनी ज़्यादा गर्मी है और कैमरे पे भी पानी आ गया। मैं थोड़ा हटा देता हूँ एक मिनट इसको। चलिए, तो यात्रा बताया गया अराउंड 10 से 15 लाख लोगों की यात्रा निकलने वाली है यहाँ से। तो यहाँ से यात्रा जाएगी 3 किलोमीटर पीछे गुंडीचा मंदिर पे निकलते हुए। तीनों रथ हैं, बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ भगवान का। देखिए, अभी यह रथ यात्रा चालू नहीं हुई है, सुबह के करीब बज रहे हैं 11 और 12 बजे के बाद का टाइम बताया गया। तो रथ यात्रा चलेगी, उसके साथ साथ मैं चलूँगा और आपको पूरी यात्रा की विस्तृत जानकारी दूंगा। एक एक चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको। गर्मी हो रही है, बहुत तगड़ी गर्मी हो रही है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। जय जगन्नाथ। जगह जगह से लोग आ रखे हैं, पूरे भारतवर्ष से लोग आ रखे हैं, इकट्ठे हो रखे हैं। देखिए, गर्मी के कारण पानी की बौछार की जा रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा पैर रखने की जगह नहीं हो रही बिल्कुल भी। जय जगन्नाथ। पुरी की जगन्नाथ यात्रा में शामिल होते हुए शायद आरएसएस के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। पानी में बिल्कुल देख रहे हो गाइस, भीड़ देखो, और ये देखो पानी के बौछार, कितनी भीड़ है, लाखों की भीड़ है। 10 लाख लोग बताए गए हैं, 10 से 15 लाख लोग यात्रा में शामिल होने के लिए। ये स्ट्रेचर ले जाए जा रहे हैं इधर, जैसे जैसे किसी को चक्कर आ रहा है या कोई बीमार पड़ जा रहा है तो उस पर रख रख के ले जा रहे हैं। देखते हैं क्या चीज़ें है, देना भैया थोड़ा ग्लूकोन डी है, ग्लूकोन डी एनर्जी के लिए, धूप हो रही है ना बहुत तगड़ी, इसलिए ग्लूकोन डी, पानी, हर चीज़ की व्यवस्था की गई है यहाँ। स्टेट के अलग अलग कल्चर के लोग आ रखे हैं कृष्ण जी का सेलिब्रेशन करते हुए, हर स्टेट से आपको लोग दिखेंगे यहाँ पे। नींबू पानी की भी व्यवस्था है फुल। ओहो,
पास पहुंच गया हूं मैं। प्रभु दर्शन बारह हो रहे हैं गाइस और 3 बजे की यात्रा बताई गई है। गर्मी इतनी ज़्यादा है, मैं तो बैठ गया हूँ गली में आके, और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। और इस गली से आपने अगर एग्जिट कर दिया तो वहाँ फोर्स लगी हुई है, वो आपको दोबारा एंटर नहीं करने देगी, इसलिए लोग यहीं बैठ गए सारे के सारे। अभी 2.5 घंटा है, 5 मिनट खड़ा होना धूप में इतना मुश्किल हो रहा है, पूरे कपड़े भीग गए पसीने से। वैसे सी बीच पास में या से समुद्र पास में तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है हमेशा ही। कर रहे हैं इंतज़ार जल्दी से जल्दी टाइम हो और हम शामिल हो रथ यात्रा में। ये क्या है, रास्ता बना रखा है क्या? रास्ता बना, एम्बुलेंस जा रहा है ना। अच्छा, एम्बुलेंस के लिए रास्ता बना हुआ है। लास्ट तक बिल्कुल एंड तक? हाँ, एंड तक। और रास्ता बना रखा है, पेशेंट वगैरह कुछ हो जाएगा तो कुछ गड़बड़ी हो जाएगा, इसी गड़बड़ हो जाएगा। कितने ये देखिए वॉलंटियर्स को दिखाया जा रहा है गर्मी से बचने के लिए। ये जो ऊपर होटल्स है ना, ये वाले जितने भी हैं, इनका किराया है सबका 2,000 रुपये, 3,000-3,000 रुपये यहाँ से व्यू देखने का नीचे। बहुत अच्छी हर चीज़ की व्यवस्था है, नींबू पानी, लस्सी, ग्लूकोज पानी, एम्बुलेंस, पानी के बौछार मारना, ये देखिए फायर ब्रिगेड्स, एम्बुलेंस, सब चीज़ है। ये देखो मशीन लगी हुई अंदर इसमें। यहाँ पे एक भोजन की भी लाइन है, देखिए भोजन मिल रहा है, खाना मिल रहा है यहाँ पे। यात्रियों को हवा भी की जा रही है, देखिए पानी डाल के। पूरा रास्ता ही बंद है वैसे एम्बुलेंस के लिए, पर फिर भी देखते हैं।
कंटिन्यूसली एम्बुलेंस चली जा रही है, उस पर इतनी गर्मी है, लोग इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं लोगों को। चलिए क्रॉस कर लिया फाइनली, बड़ी मुश्किल लगी क्रॉस करने में, पूरे में उन्होंने हाथ बांधे हुए बहुत सारे लोगों ने। इधर क्या देखते हैं, एक रथ दिख रहा है मेरे को, उस रथ की तरफ चल रहा हूँ मैं, एक रथ की डमी बना रखी है, छोटा रथ है, चलते हैं उसकी तरफ। चलिए देखते हैं इस रथ को, रथ को पास से। जय जगन्नाथ। तो ये जगन्नाथ जी का छोटा सा, और इसका ओरिजिनल रथ उस तरफ बोरा। एक रथ और मिला है, तुलसी रखी हुई है सर पे। मेन रोड से मैं घुस गया हूँ एक गली में, अधिकतर गलियां पुलिस ने बंद कर रखी हैं और कुछ कुछ गलियां खोल रखी हैं, मतलब जैसे तीन तीन चार चार गलियां बंद करने के बाद एक गली खोली हुई है, तो ये एक गली खोली हुई में से है। ऊपर देख रहे हैं आप, वो देखिए लोग बैठे हुए टिकट ले लेके, और वहीं पे स्क्रीन लगा रखी है, लाइव वीडियो भी चल रहा है, टिकट है उसका ऊपर जाने का, जब यहाँ से रथ गुजरेंगे तो वो लाइव व्यू टीवी पे भी देखेंगे और अपनी आंखों से सामने भी देखेंगे। यहाँ ना मंदिर में पीछे एक प्रसाद मिल रहा है, मैं प्रसाद ले लेता हूँ, भूख भी लग रही है क्योंकि, और मंदिर का प्रसाद है, ग्रहण करना चाहिए। चलिए चावल और कुछ सब्जी टाइप मिल रही है, देखते हैं क्या है, चल के ही पता चलेगा। चलिए तो फाइनली प्रसाद आ गया अपना, इसको ग्रहण करते हैं, पीछे करना है। ये हमारे अनिल बाबू देखो खाना खा रहे हैं जगन्नाथपुरी का, प्रसाद प्रसाद ले रहे हैं, भोग जगन्नाथपुरी का प्रसाद, मतलब मुख्यमंत्री का तो नहीं है पर और मंदिर के साथ में आज से इनका भोजन लिया है मैंने, साथ में ही मंदिर है। ये मंदिर है भोले बाबा,